जी तो अभी पहुंच चुके हैं अपने होटल इंटर कॉन्टिनेंटल, देख सकते हैं माशाल्लाह। गुड मॉर्निंग जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, तबीयत से ठीक होगी। और भाई डेली गाड़ी में व्लॉग शुरू हो रहा है, आप सभी परेशान होंगे कि भाई गाड़ी में क्यों हो रहा है व्लॉग शुरू, क्योंकि भाई हमारे पास जो है भाई ये बहुत जल्दी आ जाते हैं, ऐसे ही है जी, गाड़ी लेके फोर और हम जल्दी उठते नहीं है, हमें नाश्ता भी करना होता है, लेकिन भाई बाहर खड़े हुए थे, हमने कहा अब चलते हैं फटाफट गाड़ी में जाके बैठते हैं, भाई को ज़्यादा वेट नहीं करवाते और चलते हैं सीधा। आज हमने कहा भाई जान अबू धाबी, आज हम जा रहे हैं अबू धाबी। और यहाँ से कितनी देर का सफ़र है? दो घंटे का सफ़र है तकरीबन, तो होटल पे पहुँच के फिर आज सारा इंशाल्लाह आपको पूरा उसका इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि क्या होटल में है। और ये बहुत ही कमाल का होटल है हमारा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा देखने में। तो अभी तक जिस जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, और बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ आने वाली हैं अबू धाबी के अंदर। अबू धाबी माना जाता है कि वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है, वर्ल्ड का ना मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है। तो चलते हैं जाके एक्सप्लोर करते हैं, हम भी देखते हैं अबू धाबी क्या चीज़ है जो दुबई के अंदर नहीं मिला हमें, वो देखते हैं अबू धाबी में इंशाल्लाह मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो चलते हैं अभी, ये देखें जी तो आ रहे हैं। A few moments later. जी तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अबू धाबी की मोस्ट फेमस मॉस्क में, शेख जायद ग्रैंड मॉस्क, मोस्ट ब्यूटीफुल मॉस्क। अभी अंदर चलते हैं, आगे देखते हैं क्या व्यू है। धूप की बात ही मत करो, धूप की बात ही मत करो, ओए ओए ओए, इतनी गर्मी, फुल गर्मी है इस टाइम यहाँ पे। الحمد لله والصلاة والسلام على وحده مما يعين على تحقيق هذا الاتصال على أن نجعل من هذا الهدي النبوي براسا لنا ونرسخ ثقافة الاقتصاد والاعتدال في أرواحنا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أقول ما سمعتم وأستغفر الله. الرشيدة منذ عهد مؤسسها الشيخ زايد طيب الله ثراه على ترسيخ هذا المبدأ في المجتمع حتى ننفع مع تقاليدنا وعاداتنا الأصيلة، فلنجعل عباد الله عواصم بلا إسراف وأفراحنا بلا تفاخر ولا بلخ، ليبارك لنا فيها ولنكن ممن إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة الأكرمين، اللهم أدم على دولة الإمارات الأمان والاستقرار والرقي والازدهار وعم العالم برحمتك والسلام. Oh.
तू कहाँ पे आ गए यार? This is very unique. शाहकार. शाहकार है ये. आल अशाहकार. माशा अल्लाह मस्जिद में बहुत दिखी है पर ये एक अलग ही चीज़ बनी हुई है माशा अल्लाह. माशा अल्लाह ये देखें जी. खूबसूरत. ओए होए 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 इतनी गर्मी. कितने जी यार तुसी पाए ने? ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂ ਹਮ ਤੋ ਆਪਕਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ ਚਲੋ ਚਲਿਏ ਹੁਣ ਹੋਟਲ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੈ ਅਭੀ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ 20 ਮਿੰਟ ਅ ਫਿਊ ਮੋਮੈਂਟਸ ਲੇਟਰ ਜੀ ਤੋ ਅਭੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁਕੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਇੰਟਰ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟਲ ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੈ ਪੋਰਸ਼ੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗਾੜੀ ਖੜੀ ਹੈ ਲਗਜ਼ਰੀ ਚਲਤੇ ਹੈ ਅੰਦਰ सामान वगैरह देखते हैं चेक इन करते हैं अंदर फिर आपको दिखाते हैं कमरा कौन सा है खाके वो इधर आ इधर आ इधर आ 2 hours later ये तो अभी होटल में पहुंच चुके हैं और अभी आपको देते हैं हमने रूम टूर चेक इन वगैरह हर चीज ओके है और चलो यार अब से चले यार सामान भाई आप भी आ जाओ मेरे पास भी कार्ड है आके भाभी है कार्ड इसके अंदर लगाओ यार लाइट्स लगा दिया मैंने चलो ये लगी हुई है लाइट्स ओके सबसे पहले ये हमारे पास सबसे पहले एंट्री होगी फिर यहाँ पे आ जाएगा मिरर जिसमें यूं यूं करके क्या बात अब हम आ जाते हैं वॉशरूम वाली साइड वॉशरूम की तरफ वॉशरूम में देख सकते हैं हम लोग इन्होंने बहुत टफ दिया हुआ आपको ठीक है यहाँ पे इन्होंने आपको फुल लग्जरी किस्म का बाथरूम दिया हुआ है यहाँ पे देखो यहाँ पे अगर आप नहाना चाहते यहाँ पे बाथ टब नहीं करना तो ये वाला टब है क्या बात है चलो बेडरूम देखते हैं ये क्या है हमारे पास अलमारी जिसमें वो आपको देते हैं एक अदद लॉकर जो कि अभी मैं लॉक लगाने वाला हूँ ओए लॉक नहीं लगाना अच्छा ना पीछे हो जाओ अच्छा उसके बाद यहाँ पे आपको दे देते हैं हैंगर्स सूट जो कि आप नहाने के बाद पहनते हो और यहाँ पे वो आपको देते हैं इस्त्री प्लस इस्त्री स्टैंड लॉकर और दो ये जो भी दराज ये एसी का टेम्परेचर सेट करने के लिए यहाँ पे वो आपको देते हैं कॉफ़ी वगैरह जो भी आपको चाहिए वो बनाने के लिए ये कोई आपका मेहमान वगैरह आ जाए उसके लिए सोफ़ा टू बेड्स एंड दिस इज द व्यू कमाल है यार चेक करो यार कमाल क्या बात सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है वहाँ से आपको दूर एक बीच नज़र आ रहा है इस तरफ अगर आप चले जाओ तो आपको पूरा अबू धाबी का व्यू नजर आता है फ्रेम है पर और नीचे आपको पार्किंग की गाड़ियां नजर आती हैं और ये पता नहीं क्या बन रहा है यहाँ पे आई डोंट नो Two hours later. करके तो हम सो गए थे अब उठे हैं तो बाहर आए हैं तो हमने देखा सनसेट हो रहा है और बहुत ही कमाल का व्यू है और ये रेस्टोरेंट है यहाँ पे कोई बार कैफे है और ये आ जाती है बिल्डिंग्स और ये सनसेट का व्यू सारा चाचू और क्या इसके अलावा यहाँ यहाँ पे हम जाएंगे सी साइड हाँ जी और ये हमारे होटल की लॉबी है ये होटल का ही एरिया है ये सारा होटल का होटल का एरिया है इस साइड पे सी है सी एरिया भी सी एरिया हमारा बीच एरिया में जा रहे हैं इस साइड पे हम अभी यहाँ से घूम के जाएंगे देखो बिल्डिंग कितनी प्यारी प्यारी है देखो बिल्डिंग्स माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है यहाँ पे तस्वीरें भी हमारी बहुत अच्छी आएंगी जबरदस्त तो यहाँ से कितनी देर का सफर है बीच का आ जाए इधर से जाएंगे हम इधर से आए हैं इसलिए खड़ी होती है जो क्रूज वगैरह होती है सारी अबू धाबी आए हैं यहाँ मेरा इरादा है इस पे हम जाएं वापसी अपनी पर्सनल वापसी दुबई हम सोच रहे हैं कि इसी पे क्रूज करवा लें अपनी पर्सनल जो होती है वो करवा लें लेकिन अब देखते हैं क्या साफ बनता है क्या सीन बनता है छोटे वाली क्रूज है सारी क्रूज इधर लगी हुई है जो सी आपको पसंद आ रही है वो आप बता दो उसको हम इसके ऊपर बैठेंगे या फिर नहीं यार अभी देखते हैं ना क्या बैठना है क्या नहीं बैठना ये देखो अभी तो हम जा रहे हैं बीच पे ये भी सारी बोट्स हैं यहाँ पे जी सारा हमारा होटल का जो स्विमिंग पूल एरिया बीच में इस और पीछे बीच भी है ब्रो सारा बीच है क्या बात सनसेट भी हो चुका है तकरीबन बाकी सारा बीच है हाँ जी भाई जान देख सकते हैं आप लोग अंदर घुस गए चाचू यार ये जगह बहुत अच्छी है मजा आ रहा है मजा अब हम ये पानी वो है जो हमने खुद भरा हुआ स्विमिंग पूल हाँ नहीं 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 समंदर साइड वो साइड है वो साइड पे हम जा रहे हैं चलो चले फिर A few moments later. जान समंदर पे भी आ गए हैं चाचू अनी और भाईजन मैं विद पेंट अंदर जाने लगा हूँ अब पेंट शर्ट क्योंकि रेहान भाई ने तो कपड़े चेंज कर लिए हैं और मैं अंदर चला गया हूँ ओ माय गॉड
माय गॉड दिस इज वेरी डेंजरस यार, ये बड़ा गर्म पानी है चाची, ये तो बहुत गर्म पानी है। और ये भी ठंडा यार, ये हमने खुद नहीं भरा ना, वो सामने सुबह सुबह गर्मी इतनी होती है। ओ माय गॉड ये तो बहुत गर्म है यार, बस नहीं है डूबता इतना यार, मैं तो अभी से ढूंढने लग गया हूँ। व्यू चेक करो यार, अब सैन भाई कैसा व्यू है यार, नीचे सैंड है भाई, रेत है, क्या हो गया भाई, मैं नीचे अभी तो हमने आगे भी जाना है, वो देखो जहाँ तक लाइन लगी है वहाँ तक हम जाएंगे, वो जेट्स की जा रही है यार, जेट्स की भी आए यहाँ पे, कमाल का व्यू है यार, चेक करो भाई, चेक करो व्यू, चेक वाइब तो है, ओ माय गॉड कमाल, गिर जोगे आजा आजा यार, जुहान कैसे एंजॉय कर रहा है और सुभान डर रहा है इतना, नहीं मजा आ रहा है यार, मिट्टी मुझे तो बड़ी मजेदार लग रही है यार, थोड़ा ना सॉल्ट पानी है, ओ यार ना कर, सुभान मिट्टी फेंक रहा है यार। तो अभी हमने नहा लिया, कपड़े पहन लिए, और ये है जी हमारी होटल की लॉबी, ये सारी आबशार आ रही है, और ये इधर कैफ़े बना हुआ है, कैफ़े है ना चाचू? हाँ जी, मैं आपको दिखाता हूँ, ये कैफे भी, ये लॉबी है, इस साइड पे स्विमिंग पूल है, और इसकी साइड ये साइड है, सी साइड, अगर नीचे चले जाएंगे तो सी साइड आ जाएगी, सी साइड और स्विमिंग पूल जो पूल है, ओके ओके ओके, और इस साइड पे क्या है, ये सारे गोल्ड गोल्ड वगैरह की दुकान है, सारी शॉप्स हैं, बहुत बड़ा होटल है ये, इस साइड पे सारे लॉबीज हैं, ये है जी सारी लॉबी, ये बनी हुई है, डिज़ाइन किया हुआ है इन्होंने, दुबई का कल्चर, कल्चर व्हाट इज कल्चर, सकाफत, और ये है जी कोई फोटो शूट वगैरह करने के लिए आ रहे थे यार लोग यहाँ पे भी, तो ये फोटो शूट करने के लिए इन्होंने बनाया हुआ है एरिया, स्विमिंग पूल में मज़ा आया आपको, इतना मज़ा आया, ओए जी जी, कहाँ पे पार है, बाहर है कोई यार, देखते हैं किड्स, नो सुहान, नो कोई चीज है यार यहाँ पे, चाचू आओ यार, कहाँ रह गए हो, सर आओ ना, व्हाट इज दिस मैन, दिस इज कॉल्ड बार, सामने देख, ओके this is the bar, and this is the restaurant, okay, बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ यार उन्होंने यहाँ पे तो, ओके भाई शरीफ लोगों की जगह नहीं है, हम बाहर ही चलते हैं भाई, हम बाहर ही अच्छे लगते हैं, ये कमाल का एम्बियंस, कमाल का लगाया हुआ है इन्होंने यार, देखा जाए तो। A few moments later, अभी हमने आपको दिखाया है होटल के अंदर का सारा लॉबी शॉबी और बार वगैरह हर चीज, और ये सारा बाहर का व्यू, हम बाहर निकल चुके हैं, गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं अभी, तो जैसे ही गाड़ी आती है तो अभी हमने जाना है खाना खाने, देखते हैं कहाँ जाते हैं, कौन से रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ जाकर खाना शाना खाते हैं, बहुत भूख लगती है यार, सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ है यार, आपको क्या मूड है, क्या खाना है आपने यार, मैं तो देसी का मूड है यार, मैं कह रहा हूँ कोई गोश्त हो, गोश्त आपका क्या मूड है, आपका क्या मूड, मेरा तो मूड है काके, ओ गिरिया, लैम्बोर्गिनी खा ली मैं, काके आपने क्या खाना है, नहीं चिप्स खानी है काके ने, तो भाई चिप्स ही खानी है आपने, मेरा मूड है मैं लैम्बोर्गिनी को खा लूं, लैम्बोर्गिनी देखो यहां पे कोई है तो खा लो उसको, चलो चले, तो यार गाड़ी वाले को तो अभी बहुत देर थी, तो हमने कहा ऊपर चलते हैं जाके आपको अपना पूल भी दिखाते हैं, यहाँ पे होटल में हमारे पूल है इधर, ये चेक करें ये सारा पूल, ये तो बाहर वाला था ना, एक ये अंदर वाला पूल है, चाचू पता नहीं शायद बाहर उस साइड पे नीचे से उतरे हैं यहाँ से, बाकी ये सारा पूल है, एक इधर पूल है और एक ये वो वाला पूल है, ठीक है ये सारी बिल्डिंग, और चाचू वो खड़े नहीं, चाचू कहाँ खड़े हो यार, और ये सारी शिप पे आ जाती है हमारी, यार कितनी देर है गाड़ी वाला आया नहीं अभी तक, भूख लग रही है यार हमें तो बहुत ज्यादा, ये तो अंदर भी एक पूल है, होटल के अंदर भी एक पूल है, होटल के अंदर मैंने सारा दिखा दिया पूल अपना, नहीं अंदर होटल के अंदर वाला भी दिखा दिया, अंदर वाला भी दिखा, वो एक बाहर वाला उधर, ये बोटे सारी है ना यहाँ पे,
बोर्ड की पर इनके पर्सनल बीच है और बीच है और ये वाला है ना पूल है ये वाला इस साइड पे हाँ जी इस साइड तो एक वो वाला पूल है वो भी इनका अपना प्राइवेट इन्होंने रखा हुआ है और ये होटल के अंदर है ये वाला ठीक है तो अभी गाड़ी आ रही है गाड़ी का वेट कर रहे हैं बाकी फिर चलते हैं होटल अपना रेस्टोरेंट वहाँ जाके लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है ना यार कमाल है बाज लोग कहते हैं गर्मी है नहीं इतनी गर्मी यार यार इतनी गर्मी नहीं है दुबई में थोड़ी ज़्यादा है लेकिन अबू धाबी में है ना थोड़ी कम है यहाँ पे गर्मी भी कम है सुकून कितना है सुकून साथ ये शिप सारी अंदर साइड में हम हैं इस साइड से शायद इस वजह से महसूस नहीं हो रहा पर नहीं हम गर्मी नहीं है इतनी नहीं गर्मी Two hours later. अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अलबैग चाचू दोबारा अलबैग आ गए हो यार आप यार हमें कोई जगह नहीं मिली ना अबू धाबी में हमें अलबैग का पता था टेस्ट का भी पता था किसी ने हमें सजेस्ट नहीं किया कि आप यहाँ से देसी खाना खा लो यहाँ से खा लो हमने कहा चलो अलबैग ही खा लेते हैं हमने वो तो हमारा पड़वाना है वो तो हमें पता है कि किस तरह का टेस्ट है हमने आलू ज़रूर पड़वाना है जी तो अभी हम लोग आ चुके हैं घर वापस खाना छाना भी खा लिया हर चीज़ हो गई यार रात का तकरीबन 1:30 बज रहा है और देख लो रात के इस टाइम हम सो रहे हैं तो सुबह फिर हमने दोबारा जल्दी उठना है अपने नेक्स्ट एडवेंचर की तरफ जाना है कल हमारे बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर है जो कि हमने अबू धाबी के अंदर करने हैं तो इंशाल्लाह सुबह जल्दी उठेंगे तो आज की इस एपिसोड को हम यही पेंट करते हैं होप कि आपको अच्छी लगी हो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी और कैसी नहीं लगी होती है मुलाकात कल इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़